कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। इस कोरोना वायरस चाइना और 23 जनवरी के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, मगर ये जो रिपोर्ट्स हैं, जो पब्लिश्ड हैं, ये मजाक नहीं है। और अगर इनके ऊपर आप नजर डालोगे और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा कि ये मजाक नहीं, ये बहुत सीरियस बात है। 23 जनवरी इंपॉर्टेंट क्यों है? दो वजह से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो यह है कि वुहान शहर को चाइना ने लॉकडाउन कर दिया था, बाकी पूरी की पूरी चाइना से। दूसरी जरूरी बात यह है कि 24 जनवरी से चाइना के अंदर छुट्टियां पड़ रही थी, जैसे हमारी दिवाली पर छुट्टियां पड़ती हैं। और इन छुट्टियों के बारे में कहा जाता है कि इस समय चाइनीज लोग 30 अरब यात्राएं करते हैं, मतलब कि सारी की सारी यात्राओं को अगर मिला लिया जाए तो 30 अरब यात्राएं हो जाती हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि चाइना की गवर्नमेंट ने ठीक उसके पहले लॉकडाउन करके अच्छा किया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी सोच को सलाम, क्योंकि यह चाइना की गवर्नमेंट का दिखावा भी हो सकता था दूसरों को बताने का कि देखिए हमारे यहां तो संक्रमण फैल रहा है, हमने इसलिए लॉकडाउन किया है। मगर फिर भी हमने पूरे देश को नहीं किया, केवल हमने एक सिटी को किया है, बाकी जगह तो हमारे बिजनेसेस चालू रहेंगे क्योंकि हमें तो अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी है। ठीक है, मान लेते हैं। मगर 23 जनवरी को ही इटली के अंदर दो लोग जाते हैं जो पूरी की पूरी इटली के अंदर कोरोना वायरस फैला देते हैं, और इस प्रकार से फैला देते हैं कि इटली की हालत मरने वालों में सबसे ज्यादा बुरी हो जाती है। यह एक संयोग हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता, मगर वुहान से बाहर अलग अलग देशों के अंदर संक्रमण किस प्रकार से फैला है उसके ऊपर आप नजर डालिए। तो अमेरिका के अंदर 15 जनवरी को एक केस आ चुका था, और यह केस वो था जो कि वुहान के सी फूड मार्केट के अंदर नहीं गया था, यानी कि यह कम्युनिटी स्प्रेड वाला केस था, यानी कि थर्ड स्टेज वाला। थर्ड स्टेज यानी कि कम्युनिटी के अंदर फैल रहा था 12 जनवरी को, और उस समय तक कोई लॉकडाउन नहीं था, हर रोज लाखों लोग वुहान से बाहर जा रहे थे। देखिए 25 जनवरी तक तो श्रीलंका में भी संक्रमण पहुंच गया था, श्रीलंका तक वुहान से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, यानी कि वुहान से कहीं और गया होगा और वहां से श्रीलंका आया होगा। अब जहां पर फ्लाइट की बात आ गई है तो फ्लाइट के मैप के ऊपर जरा नजर डालते हैं। यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वुहान से चाइना के अंदर कितनी फ्लाइट्स हैं और वुहान से चाइना के बाहर यानी कि इंटरनेशनल कितनी फ्लाइट्स हैं। तो इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि वुहान से इंटरनेशनली कितनी सारी फ्लाइट्स हैं, और इसके अंदर ही आपको यह भी दिखाई दे जाएगा कि अफ्रीका के अंदर किसी भी प्रकार की कोई फ्लाइट नहीं है, जहां पर संक्रमण फैला भी नहीं है। साउथ अमेरिका के लिए भी कोई डायरेक्ट फ्लाइट वुहान से नहीं है, जहां पर ब्राजील है देखिए, और ब्राजील के अंदर भी इतना कोई खास संक्रमण का असर नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तक भी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, और यहां पर भी संक्रमण के बहुत ज्यादा मरीज नहीं है। यानी कि वुहान से जहां पर डायरेक्ट फ्लाइट्स है वहां पर हर जगह भर भर के संक्रमण जा रहा था, और जहां पर फ्लाइट्स नहीं है वहां पर संक्रमण नहीं जा रहा था। यानी कि ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला वायरस था, और अगर ये इतनी तेजी से बढ़ने वाला वायरस था जो कि लॉकडाउन लगने से 15 दिन पहले तक कम्युनिटी के अंदर आ गया था, तो चाइना के अंदर कितना फैलना चाहिए। वुहान से चाइना के अंदर देखिए कितनी बढ़िया कनेक्टिविटी है। ये जो नीले और नारंगी आप रंग देख रहे हैं, स्पॉट्स देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर वुहान से डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती हैं। साथ ही में इस ग्राफ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है जो वुहान से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जा रही हैं। तो इन दोनों के अंदर आपको जो अंतर है वो साफ नजर आ रहा है कि चाइना के अंदर बहुत ज्यादा फ्लाइट्स हैं डोमेस्टिक, जैसा कि हमेशा होता है, और चाइना के बाहर फ्लाइट्स कम है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कम है, जैसा कि अक्सर होता है। क्या आप इस बात को मानने को तैयार हैं कि एक आदमी अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ता है तो 100 आदमी डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ते हैं? एक आदमी बाहर जाता है तो 100 कम से कम कंट्री के अंदर घूमते हैं, ये तो बहुत साधारण सी बात है। चाइना का रेल नेटवर्क भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वहां की जो कनेक्टिविटी है पूरे चाइना से बहुत अच्छी है। हर रोज 2 लाख से ज्यादा नागरिक वहां से दूसरी जगह में ट्रेवल कर रहे होते हैं, हर रोज 2 लाख, 15 दिन के अंदर 30 लाख। 15 दिन के अंदर 30 लाख यात्री केवल रेल से गए हैं, उसके अलावा फ्लाइट से गए हैं, पैदल भी गए हैं, बस से गए हैं, कार से गए हैं, मगर इंटरनेशनल जहां जहां पर संक्रमण गया है वहां पर केवल फ्लाइट से गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चाइना के अंदर जबरदस्त तरीके से संक्रमण फैल सकता था, मगर वो फैला नहीं, और जो फैलाने वाले लोग थे वो पूरे चाइना के अंदर हर जगह घूम रहे थे, मगर उनको वो संक्रमण हुआ नहीं। आखिर ऐसे हुआ कैसे? बचपन के अंदर डीपीटी का और अलग सारे के सारे टीके लगते हैं, मगर क्या जवानी के अंदर, बूढ़ों के अंदर कभी कोई वैक्सीनेशन देता है? 2019 के अंदर चाइना ने ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के खिलाफ वैक्सीनेशन दी थी, वो पूरे के पूरे कंट्री के अंदर दी गई थी, इसकी काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि चाइना के पास में ये वायरस पहले से मौजूद था और इसकी जो काट वाली वैक्सीन है वो पहले से मौजूद थी और टीबी की वैक्सीन के साथ में घोलकर उसको पिला दी गई हो? क्योंकि टीबी के अंदर उस वैक्सीन को देने के बाद के अंदर जो केसों के अंदर गिरावट है वो नहीं आई, तो फिर वो वैक्सीन दी किस लिए थी, वो भी 2019 के अंदर? साथ ही के अंदर एक और बात जो सामने आती है कि
वुहान के अंदर फिर उस वैक्सीन का क्या हुआ? क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग बैच दे दे, जहां पर एक शहर का जो बैच है जहां पर दिखावा करना है कि यहां से संक्रमण हमें फैलाना है, वहां पर जानबूझ के वहां के लोगों को वो टीका नहीं लगाए, वो इम्यूनिटी नहीं दे? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सरकारें चाहे तो ऐसा कर सकती हैं। 23 जनवरी पर हम दोबारा से आ जाते हैं। 23 जनवरी को चाइना का एक छोटा सा शहर आइसोलेट कर दिया गया, जो कि 15 दिन से कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैला रहा था, और केवल एक शहर आइसोलेट किया गया, पूरा का पूरा चाइना नहीं किया गया। जिस दिन चाइना के अंदर लॉकडाउन किया गया, केवल एक छोटे से शहर वुहान शहर में, वहां पर भी चाइना के लोग जिस प्रकार से इंडिया वाले लोग पलायन कर रहे थे, वो वहां पे पलायन करते देखे गए थे। ये रिपोर्ट देखिए, रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि ट्रेवलर्स जो हैं वो चाइना का लॉकडाउन को बीट कर रहे हैं, यानी कि उसको पछाड़ रहे हैं, और वो ब्रिज से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग तो हर जगह वही होते हैं, जिसको साधन नहीं मिलता वो पैदल चले जाता है, यानी कि संक्रमण फैल रहा था, और जिस हिसाब से इंटरनेशनली संक्रमण फैल रहा था, वुहान के हर दूसरे आदमी को वो संक्रमण था और वो हर दूसरी जगह जा रहा था। और एक इंटरनेशनल फ्लाइट पर 100 लोग डोमेस्टिकेटेड फ्लाइट से जाते हैं, 10,000 लोग ट्रेन से जाते हैं, और 1,00,000 लोग कुल मिला के अलग अलग रिसोर्सेज से इंक्लूडिंग ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यानी कि इस बात की संभावना कि बहुत सारे इंटरनेशनली टूरिस्ट के अंदर से एक संक्रमित मरीज इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ के ले जाए, वो उतनी ही है जितनी 1,00,000 लोग विद इन कंट्री फैल जाए। इसका मतलब किसी भी प्रकार से संक्रमण तो बचाया ही नहीं जा सकता था, मगर एक चीज उनको बचा सकती थी, उनकी वैक्सीन इम्यूनिटी, जो कि 2019 के अंदर ही बाकी सभी जगह दे दी गई हो, वुहान में नहीं दी गई हो। वुहान को इसलिए छोड़ दिया गया हो कि वहां पर हम किसी प्रकार से इसको फैलाएंगे, अलग अलग जगह जाएगा, उनके पास में वैक्सीन होगी नहीं, और हम केवल एक छोटे से शहर को लॉकडाउन करके दिखावा करके बच जाएंगे। ये अजम्पशन है, ये थ्योरी है, ये कोई आरोप नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है। मगर फिर भी इतना तो बताओ चाइना वालों कि आपने उसको संक्रमण को रोका कैसे, जहां पे हर कोई इंटरनेशनली जो भी बाहर जा रहा था वो संक्रमित हो रहा था 23 जनवरी के समय में, और अंदर जो जा रहा था वो संक्रमित ही नहीं हो रहा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो वैक्सीन आपने बनाई है, आपने लोगों को दी है, बूढ़ों तक को दी है, वो वैक्सीन का खुलासा करो, पूरे के पूरे विश्व को इस आपदा से बचाओ, अगर ये आपदा तुम्हारे द्वारा जानबूझ के तैयार की हुई नहीं है तो। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स उन बहुत सारी हजारों रिपोर्ट्स में से कुछ हैं, जिसका इस समय कई अलग अलग लोग, कई अलग अलग देश अपनी अपनी ब्रांचेस के अंदर स्टडीज कर रहे होंगे, और वो उन सभी संभावनाओं के ऊपर विचार कर रहे होंगे, और दिमाग के अंदर ये उनके सभी के जरूर होगा, कहीं ये बायोलॉजिकल वेपन तो नहीं है, या फिर ये केवल एक एक्सीडेंट तो नहीं है। मगर ये एक्सीडेंट में इतने सारे संयोग कैसे हो गए? जब तक 1,00,000 संक्रमित मरीज अंदर अंदर नहीं घूम जाए, तब तक एक आदमी इंटरनेशनल टूरिस्ट बाहर नहीं जा सकता। चाइना में टोटल 1,00,000 लोगों को संक्रमण ही नहीं हुआ, एक छोटे से शहर को लॉकडाउन किया गया जब वो थर्ड लेवल भी क्रॉस कर चुका था, उसके बाद भी संक्रमण नहीं होता, और दूसरी जगह पूरा का पूरा विश्व इस समय संक्रमित घूम रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना के अंदर दूसरा वायरस घूम रहा है और चाइना के बाहर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर दूसरा वायरस घुमा दिया गया, जिसके ऊपर सरकारों की अभी तक नजर नहीं है, जो कि एयरबॉर्न ट्रेवल कर रहा है, जबकि अंदर वाला जो वायरस है वो एयरबॉर्न ट्रेवल नहीं कर रहा। शंघाई के अंदर 5-7 मरीज, क्या बात है यार! जिस समय अमेरिका, कनाडा सब जगह मरीज पहुंच गए हैं, तो शंघाई के अंदर 6-8 मरीज पहुंचे, ये क्या बात है? हर दूसरा आदमी जो चाइना से बाहर जा रहा है वो संक्रमित होकर जा रहा है, और लाखों लोग 15 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक पूरे चाइना के अंदर घूम रहे हैं, उनके अंदर संक्रमण का नामो निशान ही नहीं है। अब आप ये बात बताइए कि वायरस को विदेश यात्रा तो पसंद है, मगर उसको चीन के अंदर जो यात्रा कर रहे हैं उसके द्वारा संक्रमण फैलाना पसंद नहीं है। 2-4 पेशेंट्स जो है वो शंघाई में भी जा रहे हैं, दूसरे शहरों के अंदर भी जा रहे हैं, और 2-4 जो पेशेंट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं। दूसरी कंट्रीज जो है लॉकडाउन करने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पा रही, चाइना ने केवल वुहान को लॉकडाउन किया और वहां पर कंट्रोल हो गया। टीबी की वो वाली वैक्सीन जिसके ऊपर 2019 में चाइना जैसा देश अरबों डॉलर खर्च कर देता है अपने नागरिकों के ऊपर, और उसी वैक्सीन के ऊपर अमेरिका वालों का भी ध्यान है, और वो ये भी कह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि ये वाली जो वैक्सीन है 10 महीने से पहले अगर किसी को लगी हुई है तो उसके अंदर भी संक्रमण के जो चांसेस हैं वो काफी कम है। क्या ये ड्रामा है, क्या ये मजाक है, क्या है ये?
बहुत सारी चीजें हैं जिसका मैंने वीडियो में जिक्र नहीं किया है, मगर साइंटिस्टों को पता है, वो इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। एक और गौर करने वाली बात जो ये है कि चाइना ने जो अपना डेटा दिया है, प्राइमर्स वगैरह जो दिए हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन दी है, उसने कोई सैंपल नहीं दिया है, उसने कागज के अंदर या डेटाबेस के अंदर से जाकर एक जीनोम दिया है या जेनेटिक कोड दिया है, जिसको मैच करके आप वायरस का पता लगा सकते हैं। यानी कि दिया अभी तक कुछ भी नहीं है उसने, और ये आरोप चाइना के ऊपर हर कोई लगा रहा है। मैंने तो कहा ही था शुरू में, ये कोई मजाक नहीं है, ये सीरियस बात है। अब आपको भी लग रहा होगा जरूर, सीरियस तो है, मगर कैसे ना कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे। और अगर ये बायोलॉजिकल वेपन रहा तो चाइना की खैर नहीं। इंडिया के अंदर बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं बनाते, किसी भी प्रकार के कोई लैब नहीं है, मगर जो प्रेजेंट लीडरशिप है हमारी, वो किसी को छोड़ती नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। धन्यवाद। जय हिंद।